गलो ना है, अभी नहीं। दरवाजा कौन में अंदर आना, बिल्कुल रेडी बैठे ने होते मेरी तरफ ही फेस ये। दरवाजा ओपन कर, दरवाजा खोल, वो नजर ही नहीं आ रहे। चल को माशाल्लाह माशाल्लाह, अभी देखिए कैसे फुल ब्लैक लोट्स परसने वाले जो बादी ने ना वो आ गए हैं। तो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप खैर वाफिया से होंगे। तो आज की करते हैं वीडियो शुरू। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। तो अभी माशाल्लाह वेदर देखें, सुबह तक फुल, अभी सुबह के बज रहे हैं 11, तो मतलब कि समझ लें 10:30 बजे तक फुल तेज़ तार धूप थी। फुल तेज़ धूप ऐसी थी कि अगर एक सेकंड भी पंखा बंद हो जाए ना, कॉटन का जोड़ा फुल पसीनों पसीनी। शहर में फुल बरस के आए हैं बादल, कहते हैं तकरीबन 1-2 घंटे तक मसलसल बारिश होती रही है। तो थक हार के हम साढ़े पिंड आ गए, तो फिर भी अल्लाह का शुक्र है। इस महीने पे एक एग्जाम्पल भी बनी हुई है कि ये जो पादरो फुल गर्मी का महीना है ना, फुल सरदार महीना जो है, गर्मियों के महीनों का सरदार महीना, इसमें गधा भी आके ना जो है छांव ढूंढता है, इतनी गर्मी इस महीने में पड़ती है। तो अभी अल्लाह का शुक्र है कि ये जो बारिश है, अगर बादल बरसते हैं तो ये बारिश सबके लिए रहमत बने, सहमत किसी के लिए ना बने। क्योंकि कुछ लोग बड़ा कहते हैं, जिस तरह के भी मैं कह रहा हूँ कि मौसम ठीक हो गया, लेकिन जिन लोगों के मकान कच्चे हैं, घर कच्चे हैं, जिनका खदशा गिरने का, अल्लाह उनके लिए जहमत ना बनाए इस बारिश को, आमीन। तो है शुक्र है अल्लाह तेरा, गर्मी का कोई जोर कुछ कम होगा। तो अभी जो है एक नवा कट्टा खोल गया मेरे को, वो क्या हुआ है, मैंने कहा जाके ज़रा जो है ना जनरेटर वगैरह की तैयारी कर लें, क्योंकि अभी बादल समझ लें आ ही रहे होते हैं, तो लाइट वालों को पहले खतरा हो जाता है कि कितने सारियाँ तारा ना टूट जाए। तो मैंने कहा चलो जनरेटर को सेटअप वगैरह करते हैं। तो मैं कह चलो चला के देखते हैं, काफ़ी दिन हो गए नहीं चलाया मैंने, तो एक नुकसान हो गया। वो क्या हो गया मैं आपको अभी दिखाता हूँ। अभी छोटा सा क्लिप मैंने बनाया था, देखिए मेरी हालत कैसी हो गया पसीने के साथ, छोटा सा क्लिप। तो ये जनरेटर चलाने लगा था, रस्सी टूट गई। जब भी कोई एमरजेंसी पड़ती है ना, तो यकीन करो पहली दफ़ा नहीं, हर दफ़ा होता होता मेरे नाल इस तरह, हर दफ़ा। तो अभी इसकी जाके इसमें रस्सी डलवा के लाऊंगा, इसको आके खुद ही फिट करूंगा। इस तो पहले कि पिताजी फार्म के अंदर आ जाए तो पहले जो है तैयारी श्यारी कर लेनी चाहिए। तो दूसरा ये है, बारिश आ गई है, इसको मेरी इरादा बन रहा है बारिश आने से पहले पहले जो ना इसको मैं अंदर कर दूँ, क्योंकि लास्ट टाइम भी जो था ना तकरीबन 20-25 हज़ार रुपये उसको लगाया था। वो क्या रीज़न बनी थी कि इस छत का पानी भी, उसके बाद इस छत का पानी भी, फिर ये जो मेहमान कदरदान आए हुए हैं इनको तो छोड़ दें अभी फ़िलहाल के लिए। तो ये सारा जो पानी है ना यहाँ से बहता हुआ आता है इधर। तो लास्ट ईयर तो फुल्ली तेज़ बारिश हुई थी, मतलब लास्ट ईयर तो फुल बारिश हुई थी बहुत ज़्यादा इस ईयर की नस्बत है। तो वो पानी ये सारा इस जगह पे पानी सड़ा ना, कि पानी जा भी रहा था नीचे, पाइप कोई ब्लॉक नहीं था हुआ, तो इतनी बारिश हुई थी। ये जो फिर जनरेटर की मोटर थी डेलमो, इसके अंदर पानी चला गया। तो हमारे साथ तो फर्स्ट टाइम ऐसा सीन हुआ, क्योंकि हमें पहले नहीं था पता, जब चलाते तो अजीब व गरीब आवाज़ आती। तो वो जो है ना फिर मतलब खर्चा खोलते खोलते तकरीबन 20-25 हज़ार रुपया हमारा जनरेटर का लग गया। तो अभी जब भी बारिश होने लगी, सबसे पहले जो काम है ना वो ये है कि इसको आके ऊपर जनरेटर को अंदर करते हैं, बारिश के पानी से बचाते हैं, क्योंकि ऐसी कौम ही हुआ जो साढ़े सिर पर सट वाई थी ना, सानू वो तो होश आती है तो गए इसको जो मैं अंदर कर दूँ। और मेरी वीडियो के पीछे शी शी शां शूं की आवाज़ आती रहती है ना यार, ना मोटर तो बड़ा ही तंग आया हुआ, हर टाइम मोटर इन्हें तो मेरे कुछ करना ही पैना है, हर टाइम मोटर चलती रहती है। ऊपर से ये जो माइक है दूर की आवाज़ों को ज़्यादा कैच करता है, दूर की जो आवाज़ें हैं। तो अभी जो है इतनी दफ़ा बोला कि इसको ज़रा ना स्टॉप भी किया करो, इतना करके ना सानू बिल बड़ा आ गया, 15-18 हज़ार रुपया लाया, तो क्यों 3-4 हज़ार रुपया बिल आया सानू, 15-18 हज़ार रुपया बिल आ रहे। मैं भाएं हर टाइम तो रात 3-4 बजे आप खुल के मोटर चलती होंगी है, बड़ा ही कड़ा हाल हो गया मेरा गर्मी के नाल, मैं जनरेटर अंदर कर दूंगा जरा। आ गए हो और मिलिए इन हजरात से,
कन्ना दे विच नुक्स है इसके कानों में। कितनी देर बाद तेरे कानों में नुक्स होता है तेरा? मेरे 8 साल हो गए हैं। 8 साल हो गए हैं। दुकान पे इसने मेरे पास आके बैठना था, यकीन करेंगे देखूंगा। अपनी जो है ना अपनी बाबा मुझे भी लगा देता है। आपने करनी है हाँ, अपनी अपनी जरासी मेरे साथ ऐसे सर लगा के बैठेगा, मोबाइल यूज कर रहा हूँ ना साथ ऐसे लग के देखता है, सारे जो तेरे जरासी मेरा साड़ी इधर आ जाते हैं। पिछले साल भी मेरी जाके आप वीडियोस देख सकते हैं। इस बंदे को मैंने जो है ना मेंशन किया था अपनी वीडियो में कि जब ये इसको नुक्स होता है ना मेरे साथ आके बैठ जाता है उसी टाइम इन्हीं दिनों ये अगस्त सितंबर के दिन थे। तो अभी ये पकड़ है और जाके ना यार चल बोल के मैं तेरे साथ जाता हूँ। ये रस्सी इसकी टूटी है तो ये जरा ना रस्सी लेके ना इसके अंदर डलवा के लेके आएगा कि मैं हूँ तेरे साथ। पैसे तेरे को नहीं है मेरे को, मतलब कि मैं आवां इसकी जो है ना रस्सी लेके आते हैं फिर जो है ना इसको फिट करते हैं जनरेटर के साथ, ना ये लाइट टूट जाए क्योंकि शहर के अंदर पता चल रहा है शहर बड़ी तेज बारिश हुई है तो इतने जरा सिर्फ किन्नी को होइए इन्नी इन्नी चलते हैं इसकी रस्सी लेके आते हैं। हाय नहीं तो भाई दरवाजा खोल लेना, दरवाजा खोल क्या अब मोटर दा की करना जे मोटर दा की करने बोबे लग दे ने हर टाइम ऑन ही होंदी जे ऐ ना ऑन होए ते अंदर पखा तू ऑन कीता हुंदा है ओदे ही बोबे लग दे ने नहीं ते कल किथे टूट गया सा जदों कहना छोटा काम में बस मैं आया कल शहर गया हर बंदे ही लाड़े ला के टूट जांदा हर बंदा मैं क्या यार हर बंदा लाड़े ला के चला जांदा ले भाई मेरे अंदर फुल ताकत आ गई है तो बच के नहीं यार वो कहता है तूने इतनी जोर से किक मारी इसके अंदर एक स्प्रिंग होता है हाथ लगा के बता कौन सा स्प्रिंग था वो अंदर है ये दे अंदर है ये दे अंदर स्प्रिंग होता है वो तोड़ देता है तो काफी स्यापा लगता कीता उन्हें मैं तो क्या फ्री अंदर रस्सी पै जाएगी यदि 50 रुपए की पैसे लेकिन खर्चा बद गया है और यकीन करो अंदर बह बह के ना बंदा नहीं जो थकता है सारा दिन अंदर कर दिंदा कोई बाहर नहीं लगा लगा तेनु सुनया कल टीके लगे ने डॉक्टर नु दो किथे किथे लगे ने दिखा दे हां समझदार लगे ना चल दे बाबा लग मु दिखो
ओए सबर कर ना चवन मार पागल है यार है देख अवेद रावे और डॉक्टर मेरे वाली नजर जमा के बैठा आए हैं तू कोई अकल वाला भी काम कर लिया कर उदों दी मैं बैठा मेरा हाल वे मैं थोड़ा काम किया तो की हाल हो गया इनू कल मैं जरा इस तरफ आ जावा उस दे दाड़ी लगता है टीका छट आहो लैके आए नहीं हाले नहीं एक मिनट ठहर जा मेरी गल सुन ओ ना लै गई सबर कर सबर हाले नहीं कल दो भून लड़े सो दो ते फिर पंगे लैंदे है ते सब ना मजे वाली गल है वे सब ना मजे वाली गल है वे एदा आने वाला रिजल्ट है और रिजल्ट आने लगा ते भला की मेनू गल कहंदा है इधर आ बात सुन इधर आए ना बात तो सुन ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੀ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਟੈਨਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਏ ਓਏ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਏ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੈਪਲੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੜ ਦੇਣਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਔਰ ਵਲਾਗ ਖਤਮ ਕਰਨ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਵਲਾਗ ਕੀ ਬਣਨ ਲਈ ਏ ਡਾਕਟਰ ਨਾ ਚੋਮੜ ਦੇ ਦਈਏ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਹ ਪਾਈਪ ਲਗਾ ਦਾੜੀ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਧਿਆਨ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਹੋਏ ਫਿਰ ਚੋਮੜ ਦੇ ਜੇ ਤੇ ਲੈ ਭਾਈ ਵਲਾਗ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਇਰਾਦਾ ਓਏ ਗੱਲ ਨਾ ਹੈ ਅਭੀ ਨਹੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕੋਲ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਲੈ ਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਡੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਹੀ ਫੇਸ ਜੇ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਓਪਨ ਕਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਚੱਲ ਕੋ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸਰ ਅਭੀ ਜੋ ਹੈ ਇਨਕੋ ਨੈਕਸਟ ਵਲੌਗ ਮੇ ਨਾ ਇਨਕਾ ਯਹਾਂ ਸੇ ਸਾਰਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਾਰਾ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਡਾਂਗ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਮਾਰੀ ਉਦੋਂ ਮਾਰੇ ਲੈਟਰ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੱਖਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ ਬੜੇ ਚੁਕੰਨਾ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਸਨੇ ਐਸੇ ਕਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਕੀ ਆਂਖੋਂ ਕੇ ਇਹਨੇ ਸੋਚੀ ਜਾਣਾ ਸਾਰਾ ਜੇ ਇਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਫੇਰ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤਦਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮਸੀਦ ਇੰਨਾ ਬੜੀ ਵੜ ਮਕਾਇਆ ਫੇਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਮੇ ਅਭੀ ਕੇ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਇੱਕ ਮੁਨਫਰੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਮੇ ਆਏਗੀ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਯਹਾਂ ਤੇ ਭਾਈ ਡਾਕਟਰ ਲੜਨ ਦੇ ਯਹਾਂ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਮਿਲਦੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਖਰੀ